सुभान अल्लाह। कुरान में ये सब कुरान में पढ़ो तो जी जी बेशक। कहा आपकी महफिल उठने से पहले, कहा नहीं और कम टाइम लो कोई और खड़ा हो। अब किसकी हिम्मत, सब देखें ये तो सबसे ताकतवर है, यही कर सकता है ये काम, समझे। मगर आज के दौर की औरतों ने भी जिन्नात को बेवकूफ बना दिया। जी 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 बता रहे हो, इतना कूद रही है जिस मजार पे देखो, ऐसा हू चल रही है जिन्नात इन औरतों को गालिये बकते हो, कहते हो कम वक्त को देखो, इसका घर नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया। जी 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 इतना तो मैं भी नहीं कूदाता जितना ये कूद रही है। मजार पे अगर 100 कूद रही है तो मुश्किल से 5 पे कुछ होगा, 95 पे कुछ भी नहीं है, खाली ढचोकला। टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, इनके नफ्स को उभारने वाली चीज इनके हाथ में मत दो। जवान बेटियों को, कुंवारी बेटियों को मोबाइल दे दिया, अब्बा बड़ा सीधा नेक जन्नती इंसान है, का कौन है जो लेकर के आएगा तख्त। हजरत सुलेमान बोले कौन है जो तख्त ले। अब जिन्नात में से कोई नहीं उठता, अब क्या करें, उनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। अब हजरत सुलेमान बोले कि कौन है जो लेके आएगा। अब जिन्नात सारे फेल, लेकिन एक अल्लाह का वली खड़ा होगा। सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। कौन खड़ा हुआ बोलो, कुरान में है قال الذي वो अल्लाह का वली खड़ा जिसके पास कुरान का इल्म था, ये हाफिज है कुरान का। कौन खड़ा हुआ, जिनका नाम आसिफ बिन बरकिया था, जिनका नाम क्या था बोलो, आसिफ बिन बरकिया। अल्लाह तवज्जो रखो मेरी तरफ, आसिफ बिन बरकिया बोले मैं लाऊंगा हुजूर। कितनी देर में लाओगे, सब लोग कितनी देर में, अब अल्लाह के वली की देखो, आप आंख का पलक नहीं झपक पाओगे, मैं लाकर अल्लाह का वली जी बेश, जैसे ही आंख का पलक झपके देखा तो तख्त सामने रखा। ये बात एक अंग्रेज ने पढ़ ली, उसने सोचा रे यार इनका कुरान के इल्म में इतनी ताकत है, मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। और कुरान पढ़ लिया, मगर इत्तेफाक से उन लोगों के हाथ पे चढ़ गया जिनके पैजामे ज्यादा ही ऊंचे होते, समझ गए हो, समझ गए, कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते हैं, उन लोगों के हाथ आ गया, वो उसे जमात में लेके भाग गए। अब जमात में लेके भागे तो बेचारे से स्टोव ही जलवा रहे थे, कढ़ाई मंजवा रहे थे, इंग्रेज इंग्लैंड का वो समझ रहा इल्म अब आया, ये पूछ रहा बोले चावल पके, वो सोच रहा इल्म यहीं से आएगा। बेचारा जमात में जाते 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 बोले बताओ इल्म कब को आएगा, बोले अल्लाह चाहेगा सब आ जाएगा, तू कढ़ाई मां जब। कुछ दिनों के बाद उस वक्त ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बना नहीं, उस वक्त की बात है, भारत आया वो तो जब निकल के गया ना तो साबिर पाक के मामू बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मजार शरीफ पाक पटन में, उधर से गुजरा तो उधर फकीर लोग अल्लाह अच्छे अच्छे हरे हरे कपड़े पहने हुए साफ बंद नूरानी चेहरे से फकीर, और तुम जैसे ज्यारत करने वाले कोई फूल लेके जा रहा, कोई फूल लेके आ रहा, कोई तवर्रुक लेके जा रहा, बोले ये क्या, अरे बोले इधर मत जाइयो, इधर तो शिर्क हो रहा है, शिर्क। वही थे जिनके बहुत ज्यादा ऊंचे थे, उधर बजे आ रहे बोले यार इनकी दाढ़ी है, ये भी तो मुसलमान ही है, अंग्रेज था, हाथ छोड़ा के भाग गया। और जैसे ही अंदर गया एक फकीर ने पकड़ लिया झाड़ू मार, झाड़ू रखी जेब में, चेहरे को देखा बोले हाँ लगते हो बाबा के मेहमान हो, ये बोला हाँ
बाबा के मेहमान है। अच्छा, बाबा के मेहमान हो। इसने चेहरे को देखा, अल्लाह वाला पहचान गया, कहने लगा क्या खाओगे क्या पियोगे? सुभान अल्लाह, क्या चाहिए? मैं मेजबान हूँ, तुम मेहमान हो, बोलो। जी जी। इसने कहा थक बहुत, क्यों चाय चाहिए? वो फकीर ने हाथ ऐसे किया तो चाय का कप आ गया। सुभान अल्लाह। और जैसे ही चाय का कप आया, वो भी हिंदुस्तान का नहीं था बल्कि इंग्लैंड का, वो भी मार्केट का नहीं था उसके घर का, वो भी नया नहीं था जिस कप में ईमान लाने से पहले वो चाय पिया करता था, वही कप था। आग चपक नहीं पाया, इस अल्लाह वाले ने कप ला के हाथ में रख दिया। मुझे इल्म नहीं मिला, ये बताओ तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है? कहा मैं बाबा की गली में झाड़ू मारता हूँ, इस अल्लाह वाले की नजर गरम हो गई, बेड़ा पार हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, कुरान पढ़ा करो, कुरान में देखा करो, है ना? बस मिली नई नई अपाचे। एक तो नंगे भिखारी पैदा हो गए हैं, लड़कों की शादी कर रहे हैं तो लड़की बाद में देख रहे हैं, पता निकाल ले चार पहियों की मिलेगी या नहीं। जहेज मांग रहे हैं, जो मांगने वाले जहेज हैं उनके लिए कह रहा हूं, समझे? ऐसा करें, इंटरनेशनल भिखारी है भिखारी, इनसे कहो इनके हाथ में कटोरा दे दो और कहियो मस्जिद के गेट पे खड़े होकर मांग लो। अगर जिसकी जिसने दिया, जिसको अल्लाह ने दिया, कौन नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को क्या नहीं देती? अपनी बेटी को सब देते हैं, सब चाहते हैं मेरी बेटी तंग ना रहे, मगर जो मांग रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। जी जी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, लॉकडाउन में शादी तो बहुत हुई है मगर टूटी भी बहुत है, ताने मिल रहे हैं उनको, क्या लाइए अपने अब्बा घर से? अगर उसने ये कह दिया मेरा वॉशिंग मशीन मंगा लो कपड़े धोने के लिए, अपने अब्बा से मंगा आई वॉशिंग मशीन लेने, ये सास ताने दे रही है, कभी कोई ताने दे रहा, कभी कोई ताने, ये समाज हो गया, समाज ऐसे हालात बन गए। अरे तसीदा सादा भोला वाला मिल गई है पाचे, बस जा रहा नया नया ससुराल, एक तो कम चलाना आती है तो कभी एक्सीलेटर ज्यादा बढ़ा दिया तो कभी ब्रेक दबा दिया, झटके मारता हुआ चल गया, और ये भी 80 से नीचे नहीं चला रहा, नाक कट जाएगी पीछे जो बैठी है, भले गन्ने की ट्राली में घुस जाए, भरे दो टुकड़े हो जाए, और वो बैठे साहब टांग पे टांग चढ़ा के ऐसे करके बेहया होंगे, सब देखते हुए जा रहे हैं। घर पहुंचे सास वाली, देखो कितना अच्छा दामाद मिला, और इसने जो था मुड्ढे पे कान रखा या मुड्ढे पे ठुड्डी लगे कुटर 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 कुटर, और भरी शोहर की कोलिया, बार बार तो गले में हाथ डाल के बेहया ही नहीं, न माँ को पता न बाप को पता, सारे लोगों को पता, सबको पता है, और शोर समझ रहा है मेरी बीवी मुझसे प्यार कर रही है, प्यार नहीं है ये बेहयाई है, बेहयाई, प्यार भुगता है जो शोर को बेइज्जत करने ना दे, अपनी जान दे दे, रूखी सूखी खा ले मगर माँ से शिकायत ना करे, बाप से शिकायत ना करे, आज तो अगर आधी बात हो जाती है तो शोर का मोबाइल या अपना मोबाइल लेकर के बाप से लगा देती है, भाइयों से लगा देती है, खानदान बिगड़ जाता है। एक बात मुझे याद आ रही, कह दूं, टाइम तो ज्यादा नहीं हो, बताइए, बोलू सैयदा फातिमा और हजरत अली।